नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो चुकी है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में फैसला हो चुका है। विष्णुदेव साय राजभवन भी पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। उनके साथ कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। आज ही तय हो सकती है शपथ ग्रहण की तारीख। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा था साय को सीएम बनाने का। उस प्रस्ताव का समर्थन किया अरुण साव ने और सभी बीजेपी के विधायकों ने अपना नेता, मतलब विधायक दल का नेता चुन लिया है विष्णु देव साय को। और विष्णुदेव साय बीजेपी के नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। सरकार, जाहिर सी बात है, सरकार बनाने का दावा पेश किया होगा उन्होंने। एक तरफ स्वागत करते हुए बीजेपी के नेता विष्णुदेव साय का, दूसरी तरफ जश्न का माहौल। दो तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी, विष्णुदेव साय के समर्थकों में उत्साह है। आप देखिए किस कदर था और उनको बधाई देने का तांता वहां पर लग गया। फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ, सभी ने मिलकर बधाई दी और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी की अभी भी जश्न लगातार जारी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। कई सारे फैक्टर थे जो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर और ये देखिए आप। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे विष्णुदेव साय बीजेपी के नेताओं के साथ। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जानना चाहूंगा आपसे वो कौन कौन से फैक्टर थे जो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया बीजेपी आलाकमान ने। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए विष्णुदेव साय सबसे सीनियर आदिवासी नेताओं में से एक हैं और उनके पास ना सिर्फ प्रशासनिक अनुभव है बल्कि संगठन का भी खासा अनुभव विष्णुदेव साय के पास है। आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय हैं, इसलिए उनको प्राथमिकता यहां पर दी गई। और उससे भी बड़ी बात, हर जगह विष्णुदेव साय के नाम की स्वीकार्यता थी, कहीं भी असहज होने वाली स्थिति नहीं थी। एक मत से सभी विष्णुदेव साय के नाम पर स्वीकार कर लिया गया उनका नाम। लोकसभा सांसद 1999 से लगातार 1914 तक रहे हैं, उसके बाद 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं विष्णुदेव साय। आदिवासी चेहरा है, सौम्य है, ये तमाम चीजें थी जो कि विष्णुदेव साय को इस कुर्सी तक लेकर खींच रही थी। और उनका सहज और सौम्य स्वभाव है, यही वजह है कि एक्सेप्टेंस उनकी सभी जगह थी। हर विधायक में, संगठन से लेकर प्रशासन तक, हर जगह उनकी एक्सेप्टेंस थी। और इसके साथ ही भाजपा छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री देना चाह रही थी। देखिए 23 साल छत्तीसगढ़ को हो गए, लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री की बात होती रही लेकिन छत्तीसगढ़ को कभी आदिवासी मुख्यमंत्री मिला नहीं। इस बार पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को विष्णुदेव साय के रूप में मिल गया है और 12 तारीख को शपथ ग्रहण यहां पर हो सकता है। राजभवन अभी विष्णुदेव साय सरकार का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रभारी ओम माथुर और पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा भी साथ में उनके मौजूद हैं। तो 12 तारीख वो तारीख हो सकती है जब मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण हो, शपथ ग्रहण हो। विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण 12 तारीख को, 12 दिसंबर को कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अहम फैक्टर थे। कई लोगों के नामों की चर्चा के बाद उनके नाम पर यह मुहर लगी है क्योंकि विष्णुदेव साय सहज स्वीकार्य नाम थे। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगा। जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं वो दर्शकों तक मैं भी पहुंचा दूं कि 12 दिसंबर, हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर बता रहे हैं अभिषेक कि 12 दिसंबर वो तारीख हो सकती है जब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभिषेक न्यूज एडिटर, जिन्होंने हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि 12 दिसंबर वो तारीख हो सकती है जब छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आ सकते हैं। अभिषेक, क्या प्रधानमंत्री मोदी के आने की संभावना? बिल्कुल
अभिषेक, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है क्या? तो हम फिर से कोशिश करेंगे अभिषेक से संपर्क करने की। तो 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और मुलाकात की है विष्णुदेव साय ने सभी नेताओं के साथ राज्यपाल से। ये तस्वीरें आपके सामने, सरकार बनाने का दावा पेश किया। और 12 दिसंबर, जी हां 12 दिसंबर वो तारीख हो सकती है जब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। 12 दिसंबर वो तारीख है जब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। साफ सुथरी छवि उनकी, संगठन के करीबी, लंबा अनुभव, दो बार के प्रदेश अध्यक्ष और सबसे बड़ी बात, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश का गठन हुआ तब से अभी तक छत्तीसगढ़ को कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने वो भी दे दिया है, बीजेपी ने वो भी दे दिया है। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया है। अभिषेक, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है क्या? तो हम फिर से कोशिश करेंगे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से बातचीत करने की। हेलो, जिन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी हमें दी कि 12 दिसंबर वो तारीख हो सकती है जब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पैच कर लो यार, विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ, विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी, आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिल चुका है एक लंबे अरसे के बाद। लगातार मांग उठती रही है कि एक आदिवासी चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, जो अभी तक नहीं मिल पाया था छत्तीसगढ़ को, लेकिन बीजेपी ने वो दे दिया है छत्तीसगढ़ की जनता को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे विष्णुदेव साय बीजेपी के नेताओं के साथ। 12 दिसंबर को शपथ भी हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं इस समारोह में। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी, सभी बधाई दे रहे हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से भी मांग उठती आई थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो हो भी गया। राजनीति में विष्णुदेव साय साफ सुथरी छवि और लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले बड़े आदिवासी चेहरा। तो न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा और बीजेपी ने वो करके भी दिखाया है। लंबे अरसे से मांग थी कि छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, बीजेपी ने करके दिखा दिया वो। बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा और इस बात को शायद पहले ही बीजेपी ने तय कर लिया था और रिजल्ट ने इस पर मुहर लगा दी। आदिवासी मुख्यमंत्री देने के बाद देखिए, केंद्र के जहन में पहले से ही थी कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से गाये बगाये ये मांग उठती रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो और आदिवासी मुख्यमंत्री को अवॉइड कर दिया जाता है, ये बात भी बार बार सामने आती रही है। लेकिन इस बात पर अब मुहर यहां पर लग गई कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री। देखिए, नितिन नवीन बाहर निकल रहे हैं, मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी को दिखाएं नितिन नवीन। अब यहां से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है, अभी नितिन नवीन फिलहाल बाहर निकले हैं यहां से, और विष्णुदेव साय वो अभी भी अंदर हैं, प्रभारी ओम माथुर वो भी अभी भी अंदर हैं, सिर्फ विष्णुदेव साय अंदर और बाकी लोग हैं, नितिन नवीन बाहर निकले। तो मैं बता रहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग लगातार यहां पर हो रही थी
और आदिवासी मुख्यमंत्री देख बीजेपी ने तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की है और बहुत सारे जो आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से लगते थे, आदिवासी हितैषी होने की बात बार बार ऐसी गलियारों में आती थी कि कौन सी पार्टी आदिवासियों की हितैषी है, बार बार उसके लिए कोशिशें होती थी। इस बार 14 सरगुजा की और 8 बस्तर की आदिवासी जो सीट है, मतलब 22 सीटें आदिवासी बहुल जगहों की पूरी तरह बीजेपी के पास है, जिसने सरकार बनाने में कितना बड़ा योगदान दिया आप समझ सकते हैं। बीजेपी ने तमाम सवालों पर एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की, सवालों को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की है आदिवासी मुख्यमंत्री देकर। 23 बरस में छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने यहां पर दे दिया है। बाहर निकलने का सिलसिला जारी है, आप देख सकते हैं लगातार ये रायपुर कलेक्टर बाहर निकले हैं और एसपी बाहर निकले हैं। जैसे ही कोई बाहर निकलता है कार्यकर्ताओं में जोश का नारा, जय जय श्री राम और जय जय जुदेव, जय जुदेव के भी नारे यहाँ पर लग रहे हैं। सुमित जुदेव गुरु रहे हैं, राजनीतिक गुरु रहे हैं दिलीप सिंह जुदेव विष्णुदेव साय के, उन्होंने ही विष्णुदेव साय को राजनीति में प्रवेश कराया था। जशपुर के राजा थे दिलीप सिंह जुदेव और 2003 में भी बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी कांग्रेस सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार लाने में। तो कुमार साहब के नाम से दिलीप सिंह जुदेव जाने जाते हैं और जय श्री राम के साथ जय जुदेव के भी नारे लग रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जुदेव का कितना अहम रोल यहां पर रहा है। विष्णुदेव साय ने हमारे साथ बातचीत में खुद इस बात को कहा था कि दिलीप सिंह जुदेव उनके राजनीतिक गुरु है और उन्होंने ही उन्हें राजनीति में प्रवेश कराया था। जशपुर इलाके में खासा दबदबा दिलीप सिंह जुदेव का रहा है और विष्णुदेव साय उनके ही शिष्य रहे हैं और उसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की यहाँ पर। तो दिलीप सिंह जुदेव के बाद दिलीप सिंह जुदेव ने जो जिस परंपरा को आगे बढ़ाया था वो अब यहाँ पर विष्णुदेव साय के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में पहला आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ को मिल गया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में अब ये मुलाकात खत्म हुई है राजभवन के अंदर और दरवाजा राजभवन का खुल गया है, किसी भी समय बाहर आ सकते हैं तमाम नेता जो भाजपा के गए हुए हैं अंदर विष्णुदेव साय के साथ, जिन्होंने दावा किया है सरकार बनाने का, वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के साथ, ये तस्वीरें रमन सिंह की है, रमन सिंह बाहर आ रहे हैं राजभवन से। तो रमन सिंह धर्मलाल कौशिक साथ में, ये तमाम नेता अजय चंद्राकर दिख रहे हैं जो बाहर पहुंच रहे हैं, अजय चंद्राकर, ये तमाम नेता राजभवन में मौजूद थे और नारेबाजी के बीच में बृजमोहन अग्रवाल वहां से बाहर निकल रहे हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये तमाम नेता जिनकी स्वीकृति यहां पर हुई है और आज बाहर निकले हैं, बृजमोहन अग्रवाल यहां आ रहे हैं हमारे पास। राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने पत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय जी को चुना गया है। अब राज्यपाल जी की तरफ से पत्र प्राप्त होगा और उस पत्र के बाद में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। बीजेपी की ओर से कोई तारीख बताई गई सर, कब शपथ ग्रहण, कब शपथ लेना चाहते हैं आप लोग? राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय। एक चुनौती तो आप लोगों ने पार कर ली, दूसरी चुनौती आगे क्या होगा? प्रधानमंत्री या मंत्री जी अकेले लेंगे शपथ? निश्चित रूप से आ सकते हैं, मंत्रिमंडल डिप्टी सीएम तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी चुनौती है, कब तक उसको? अब आगे आगे देखिए होता है क्या। डिप्टी सीएम जैसे कुछ चर्चा हो, डिप्टी सीएम कुछ अभी ये तो केंद्रीय नेतृत्व तो निर्णय करेगा, वो जो निर्णय करेगा आपकी जानकारी में आ जाएगा। दो डिप्टी सीएम की बात भी निकल कर आ रही है, दो डिप्टी सीएम। अब ये केंद्रीय नेतृत्व बताएगा कि इस बारे में क्या निर्णय होगा। ठीक है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है, ब्रिजमोहन अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल निकले थे मुलाकात करके और उन्होंने बताया कि पत्र राजभवन में दे दिया गया है, राज्यपाल अब यहां से पत्र देंगे और राज्यपाल के पत्र के बाद ही तय होगा कि आखिरकार ये डेट कब जाके आगे लॉक होगी। लगातार देखिए बाहर निकल रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि डिप्टी सीएम की बात है, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है,
और केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करके इस पे मुहर लग सकती है। तो ये बहुत अहम चीज यहाँ पर है, उन्होंने कही है। डेट को लेकर उन्होंने कहा है कि पत्र राज्यपाल को दिया गया है और बताया गया है, डिमांड रखी गई है कि सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है, लेकिन डेट कब ये होगी, ये डेट जो है वो राजभवन बताएगा। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री यहां पर आ सकते हैं, तो प्रधानमंत्री से चर्चा करने के बाद ये डेट फाइनल की जाएगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 12 तारीख वो तारीख हो सकती है जब यहां नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करें, क्योंकि बहुत ज्यादा विलंब अब करना नहीं चाहता आलाकमान जो है, क्योंकि इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नेता चुनना है, वहां पर भी शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो मुझे लग रहा है कि 12 तारीख जो सूत्र बता रहे हैं उस दिन शपथ ग्रहण हो सकती है, क्योंकि इस तारीख के आसपास 12 तारीख को पहले भी बीजेपी की सरकारें शपथ ग्रहण कर चुकी हैं, जो जिसमें डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो ये 12 तारीख हो सकती है। देखिए तमाम नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कारकेड भी यहां पर लग गए हैं और ये बड़े नेता पहुंच रहे हैं लगातार, और किसी भी वक्त थोड़ी देर में ये यहां से निकल सकते हैं राजभवन से। अभी विष्णुदेव साय अंदर हैं, बाहर नहीं निकले हैं, ओम माथुर अंदर हैं, वो भी बाहर नहीं निकले हैं। तो ये कवायद अभी चल रही है, एक एक करके नेता बाहर निकल रहे हैं और ये आप समझिए थोड़ी देर में निकलेंगे, तो हो सकता है विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मीडिया से चर्चा भी करें, ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने ये कहा भी था, अभी जिक्र किया था आपने कि बीजेपी ने शायद पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस बार छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री देना है, और बीजेपी जो भी करती है वो काफ़ी सोच समझ कर करती है, पहले से ही प्लानिंग उसकी कर देती है, अचानक से कुछ नहीं करती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह की वो बात मुझे याद आती है जब चुनाव प्रचार के दौरान वो गए हुए थे छत्तीसगढ़। जी अभिषेक आप मुझे सुन रहे हैं? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजभवन में नेताओं के जाने का और आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार बड़े दिग्गज नेता पहुंच भी रहे हैं और लौट भी रहे हैं राजभवन से निकलते हुए, और उसके अंदर जाते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे इस समय। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनको पत्र दिया है राज्यपाल को बीजेपी के नेताओं ने, और पत्र के जरिए जानकारी दी है कि विष्णुदेव साय विधायक दल के नेता बीजेपी की तरफ से चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी शपथ ग्रहण की तारीख नहीं बताई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आकाश यही है कि 12 दिसंबर को शपथ हो सकती है। आकाश क्या कुछ और अपडेट, क्या कुछ और एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है विष्णुदेव साय, अब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। संगठन की तरफ से भी यही कहा गया है कि 12 तारीख को संभवतः शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी में तैयारियां हैं, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम कौन होगा। अब जब सीएम से पर्दा उठ चुका है, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो शपथ भी अब वो लेने वाले हैं 12 तारीख को। यही तारीख होगा जब वो शपथ लेंगे, संगठन ने इस पर कहा है, लेकिन हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है 12 या 13 हो सकता है। अभी सभी विधायक राजभवन चले गए, वहां राज्यपाल को सौंपा गया है, पत्र सौंपा गया है, उसमें बताया गया है कि विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी जल्द ही तिथि स्पष्ट होगी, हालांकि अभी तक 12 तारीख तिथि तय है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर। आकाश कहाँ मौजूद हैं आप, जरा तस्वीरें हमें दिखाएं, बहुत ही सुंदर साज सज्जा वहाँ पर की गई है, शायद बीजेपी दफ्तर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है और क्या माहौल है वहाँ पर, जरा बताएं हमें आकाश। जी बिल्कुल, हम इस वक्त खड़े हैं बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं, और आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर अभी तमाम विधायक जो थे विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुनने के बाद, मुख्यमंत्री उन्हें घोषित करने के बाद यहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन अब सभी विधायक राजभवन चले गए, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, संगठन के तमाम बड़े लोग मौजूद हैं, जो बधाई देने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, थम नहीं रहा है। प्रदेश
प्रदेश कार्यालय का वह दृश्य देखिए, किस तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग पूरी की गई है, रेड कार्पेट पहले से ही बिछा दिया गया था और सीएम ताकि जब घोषणा हो तो सीएम इस पर ही चले और देखिए चीजें एक तरीके से उत्साह दिख रहा है। हम यहाँ पे मौजूद कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, यहाँ पर आए हुए हैं। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, क्या लग रहा है, किस तरीके से अब विकास की गति होगी छत्तीसगढ़ में? विष्णुदेव साय एक सौम्य चेहरा छत्तीसगढ़ में, सरपंच से लगाकर विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री रहते हुए और छत्तीसगढ़ की एक एक जगह को जानते पहचानते कार्यकर्ताओं को पार्टी ने जो निर्णय लिया स्वागत योग्य है। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आदिवासी चेहरे के चेहरा पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम होगा, अब कैसा लग रहा है आपको कि किस तरीके से आप छत्तीसगढ़ को देखते हैं, छत्तीसगढ़ के विकास को देखते हैं? छत्तीसगढ़ एक नई ऊंचाई पर जाएगा हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर, हम भारतीय जनता पार्टी को एक नई मुकाम पर पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, युवा हैं और जिस तरीके से घोषणाएं कर रही थी बीजेपी, बहुत सारी घोषणाएं युवाओं को लेकर भी की थी, अब विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री होंगे, क्या आपको लगता है उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है, इसमें युवाओं को यानी आगे बढ़ाने के लिए जितना भी प्रयास होता है हमारे बड़े यानी नेता लोग बढ़ चढ़ कर हमें मौका देते हैं और निश्चित ही विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में युवा और नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। यही जी बिल्कुल, देखिए काफी लोग उत्साहित है और हर कोई जो है वो यही कह रहा है कि विकास की एक नई ऊंचाई छुएगा जो छत्तीसगढ़ होगा। हम आपसे चर्चा करते हैं, घोषणा हो गई है, लंबे समय से जो कयास लगाया रहा है वो थम सा गया, अब छत्तीसगढ़ में सरकार बन जाएगी। जी बिल्कुल, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी को बधाई शुभकामनाएं और बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव के हैं। ठीक, जितना हमने ठीक है आकाश, हम लौटेंगे, आप नजरें लगातार बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमें फौरन दीजिएगा, हम यहां पर आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो खबर लगातार जारी है और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।